वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस व्हाट इज डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ इट इज यूज. एंड फर्स्ट इज डेटाबेस. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गनाइज सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस मैनेज एंड अपडेटेड. डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है या अपन कह सकते हैं ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गनाइज, जो क्या ऑर्गनाइज्ड है, व्यवस्थित है, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, इसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है एंड अपडेट किया जा सकता है. तो वो क्या होता है आपका डेटाबेस. इट मीन्स ऑर्गनाइज कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इट्स कॉल्ड डेटाबेस. नेक्स्ट आता हुआ था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट मीन्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे अपन डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं. ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्राइव एंड मैनेज डेटा इन डेटाबेस. कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जिससे अपन डेटा को, डेटाबेस को डिफाइन कर पाते हैं, उसको मैनिपुलेट कर पाते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो क्या होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल MS Access क्या आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. MySQL, DB2 और Sybase, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, MS Access के बारे में. ठीक है, तो देखिए क्या है डेफिनेशन बात करें. MS Access इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्टोर होता है वो आपका क्या होता है, RDBMS होता है. ठीक है, तो RDBMS की बात करें अपन, तो ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जिसे किसने डिजाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डिजाइन किया है, डेवलप किया है. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट. ये किसका पार्ट है, MS ऑफिस का पार्ट है. जैसे आपके यहाँ आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे आपके क्या आता है, MS एक्सेस भी आपको MS ऑफिस में मिलता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड ए क्विक वे एंड ईजी वे टू डेवलप डेटाबेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो क्या है, आसानी से जिससे डेटाबेस बनाया जा सकता है ईजीली और जल्दी से. ठीक है, देन नेक्स्ट आता हुआ था कैसे ओपन करते हैं अपन. टू ओपन सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. फिर अपन ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं एंड ब्रिंग योर माउस पॉइंटर टू MS ऑफिस. फिर अपन किस पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे करते हैं एंड लास्टली क्लिक ऑन MS एक्सेस, या फिर अपन कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. देन अपन क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करते हैं. इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन रन कमांड. रन कमांड पे क्लिक करो, इसका शॉर्टकट क्या है, Windows+R. देन आपको क्या लिखना है, MS Access विदाउट स्पेस लिखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, MS Access लिखना है और देन क्लिक ऑन ओके या फिर इंटर प्रेस कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ. सबसे पहले Windows+R और यहाँ पे अपन को लिखना है MS Access. ठीक है, जैसे अपन इंटर करते हैं तो आपका MS Access है वो ओपन हो जाता है. यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस. जैसे क्लिक करते हैं ये आपसे पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम पूछता है और देन आप क्लिक करोगे किस पे, क्रिएट पे, तो ये आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा जिसका नाम क्या है, Database 6. ओके, नेक्स्ट अपन बात करें MS Access ऑब्जेक्ट की. MS Access के कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो देखिए MS Access यूज ऑब्जेक्ट टू हेल्प द यूजर लिस्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. कि MS Access ऑब्जेक्ट इनका यूज किस लिए करते हैं, कि आप अपने डेटाबेस है उसकी लिस्ट बना सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो. इट मीन्स इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बना सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एज वेल एज प्रिपेयर स्पेशली डिजाइन रिपोर्ट. और इसका यूज किस लिए किया जाता है, रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए. अब कौन कौन से डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट आते हैं MS Access के अंदर, तो देखिए सबसे पहला आता है टेबल. टेबल मीन्स कि जहाँ पे डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर होता है वो आपका क्या होता है, टेबल. टेबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू डिफाइन एंड स्टोर डेटा. टेबल क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज आपका जो डेटाबेस है या डेटा है उसको डिफाइन करने के लिए या स्टोर करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेरी.
एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड कस्टम व्यू ऑफ द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. इट मीन्स कि क्वेरी क्या है, क्वेरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे अपन वन और मोर टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या उसका कस्टम व्यू कर सकते हैं. लाइक अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, उसमें से अपन को 10 डेटा है, टॉप 10 डेटा है, वो निकालना होता है, या वन और मोर टेबल से डेटा निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं. इट मीन्स डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने क्या काम में आता है, क्वेरी. क्वेरीज आर द वे फॉर सर्चिंग एंड कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. क्वेरी से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं वन और मोर टेबल्स. नेक्स्ट आता है वो आता आपके फॉर्म. फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट इन ए डेस्कटॉप डेटाबेस डिजाइन प्रिलिमरली फॉर डेटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन. इट मीन्स कि जो आपका डेस्कटॉप डेटाबेस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपका फॉर्म है, जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं. प्राइमरली इसका यूज किस लिए होता है, डेटा को इनपुट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए. ये हमेशा किस में आता है, एक सिंगल पेज के अंदर आता है. जैसे अपन फॉर्म फिल करते हैं वैसे आपका क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्म बनता है. नेक्स्ट आता आपका वो आता है क्या, रिपोर्ट. ए रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस डेस्कटॉप डेटाबेस डिजाइन फॉर फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग एंड समराइजिंग द सेलेक्टेड डेटा. रिपोर्ट का यूज किस लिए किया जाता है, रिपोर्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है, किसका, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, या अपन कह सकते हैं एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, डेटाबेस जो डेटाबेस को फॉर्मेट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए. तो ये फॉर ऑब्जेक्ट है आपके कहाँ पे काम में आएंगे, एमएस एक्सेस के अंदर काम में आएंगे, जिसमें क्या है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट. ओके, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है की टर्म ऑफ डेटाबेस, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है फील्ड. फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फील्ड का मतलब एक कॉलम इन ए टेबल. किसी भी टेबल के अंदर कोई कॉलम हो उसे अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे. या तो इसे अपन फील्ड कहेंगे या फिर अपन इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉलम. नेक्स्ट आता है वो आता है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मीन्स रो इन ए टेबल. टेबल के अंदर जो रो है उसे अपन क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे. या तो इसे रिकॉर्ड कहेंगे या फिर इसको रो कहेंगे, या इसे अपन टपल भी कहते हैं. नेक्स्ट आता हुआ था प्राइमरी की. देखिए पट जैसे अगर अपन कोई भी टेबल बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स होते हैं, लाइक रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, इसके अलावा नेम हो सकता है बच्चे का. सपोज दैट अपन स्टूडेंट का क्या बना रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, इसके अंदर टेबल है, टेबल के अंदर रोल नंबर है, नेम है. तो अब अपन क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम का यूज करेंगे, जिससे अपन डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं. उस कॉलम को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं. अब अगर अपन बात करें, नेम तो सेम भी हो सकते हैं एक क्लास के अंदर, पर रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होते, इसलिए अपन इसको क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, जिससे डेटा को अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. तो यहाँ पे बात करें अपन प्राइमरी की, ए सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन टेबल. एक सिंगल कॉलम हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हो सकता है या फील्ड हो सकता है. फील्ड या कॉलम एक ही बात है, जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. नेक्स्ट अपने आता है वो आता है डिजाइन व्यू. देखिए यहाँ पर एमएस एक्सेस के अंदर आपको टू व्यू मिलेंगे, जिसके अंदर डिजाइन व्यू एक आपका डेटा सेट व्यू है. डिजाइन व्यू क्या कहता है, ए व्यू दैट इज यूज टू डिजाइन द डेटाबेस. एक ऐसा व्यू जिसमें डेटाबेस को डिजाइन किया जाएगा, वो क्या होगा, डिजाइन व्यू होगा. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डेटा सेट व्यू. ए व्यू दैट इज दैट डिस्प्ले द टेबल इन अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एक व्यू जिसमें अपन क्या करेंगे, टेबल को रो एंड कॉलम्स के अंदर शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, वो आपका क्या होगा, डेटा सीट व्यू होगा. ओके, तो ये कुछ की टर्म्स है किसके, डेटाबेस के. तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस. इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट ए सी सी डी बी. कोई भी एमएस एक्सेस की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट ए सी सी डी बी. ये ध्यान में रखना है, डॉट ए सी सी डी बी. थैंक यू.